आध्या के हाथ पे बंधी मौली खोलेगी अनुज के सामने आध्या का राज और फिर होगा ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा ने जाते जाते आध्या के हाथ में मौली बांधी, जो भगवान के चरणों में धागा होता है वो बांधा और फिर आध्या से आखिरी विदा ले ली। ये सुमित के साथ की आध्या तो कम से कम मिलने देगी उसे। तो क्या ये ऐसे ही था? अगर मेरी नजरों से देखो तो ऐसे नहीं था। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी तो अनुज और आध्या अमेरिका के लिए निकल गए। अनुज ने अभी आध्या की तरफ ध्यान से देखा नहीं है, अभी वो अपनी अनुपमा के गम में है। इधर उधर अनुपमा ही अनुपमा देखता जा रहा है, मगर जैसे ही उसकी नजर आध्या की इस मौली पे पड़ेगी, क्योंकि आध्या तो खुद मंदिर जाती नहीं है, कान्हा ब्रो को तो कब का वो भूल गई, तो वो कैसे आई उसके हाथ में? जब अनुज ये सवाल करेगा आध्या झूठ भी बोलेगी मगर पकड़ी जाएगी। अनुज उस मौली से समझ जाएगा कि तब आध्या होटल में थी, उसके बाद आध्या के हाथ में मौली है और मौली जो है ये उसी मंदिर से अनुपमा ने इसको बांधी होगी, यानी कि अनुपमा से मिलने गई है आध्या। क्यों मिलने गई है इसको समझने में अनुज को देर नहीं लगेगी कि ये आध्या का ही किया कराया है। कोई और अनुपमा को इतना मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपने अनुज से दूर हो जाए, ये सिर्फ आध्या ही कर सकती है, क्योंकि अनुज को अनुपमा ने चाहे ये बात नहीं कही कि आध्या ने कहा है, मगर उसने ये रीजन जरूर दिया कि हमारी बेटी मुझसे बहुत नफरत करती है और ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। ये बात और मौली की बात अनुज को समझने में देर नहीं लगेगी कि ये सारा कांड आध्या का किया हुआ है। और फिर आध्या के साथ क्या होता है ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि अनुज का दिल इतनी बुरी तरह से टूटेगा कि उसकी बेटी ने उसके साथ इतना गंदा खेल खेला। क्योंकि अभी अनुज भी यही समझेगा कि अनुपमा को मजबूर किया, अनुपमा मजबूर हुई, मगर सारी जो फसाद की जड़ है ये आध्या है। तो क्या इसके बाद अनुज उतना प्यार आध्या को दे पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यही से आध्या को जो है बैक काउंटिंग शुरू हो जाएगा और आध्या को वो प्यार अनुज से नहीं मिलेगा जो प्यार आध्या चाहती है, कि पूरा का पूरा अनुज पॉप मेरा ही हो। तो अनुपमा ने तो अनुज की जो है कुर्बानी कर दी है, मगर ये कुर्बानी क्या अनुज अपनी करेगा आध्या के लिए? नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिल में आध्या के लिए अब प्यार कम हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा हादसा आध्या की वजह से हुआ। तो ये तो अब मौली का जो है कान्हा जी की मौली है बांधी है, तो इसका कुछ तो चमत्कार हमें देखने को मिलेगा ही। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.